गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट चार हमने राइट कर लिया है। पार्ट चार के हमने शब्दार्थ राइट कर लिए हैं, उसको रीड भी कर लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं कि हमने उस पार्ट से क्या सीखा और कितना सीखा है। प्रश्न नंबर एक है भाषा, इसमें पाठ ज्ञान में सही विकल्प पर राइट का निशान लगाई है। दीना था, क्या था? बहुत मेहनती था, बहुत आलसी था या फिर अंधा था। दीना क्या था? बहुत ही आलसी था। तो बहुत आलसी के जस्ट सामने वाले बॉक्स पे राइट लगाना है। सेकंड नंबर पे है, दीना दुख दूर करने गया किसके पास? अध्यापक के पास, भगवान के पास या फिर महात्मा जी के पास। दीना किसके पास गया था? महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी के जस्ट सामने वाले बॉक्स पे राइट लगाना है। थर्ड नंबर पे है, दीना खुशी खुशी लौट आया कहाँ पर? स्वदेश, अपने घर या फिर अपने खेत पर। खुशी खुशी कहाँ लौट आया? अपने घर पर। तो आपको इसी प्रकार से ये जो है वो अपनी बुक में राइट करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन जो है आपको अपनी बुक में राइट करने हैं। सेकंड नंबर पे है, सही शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें छांट करके इनमें राइट करना है। दीना के एक बेटा और एक बेटी थी, तो इसमें से हमने लिख दिया बेटा और बेटी। दीना का परिवार दुखी रहा करता था। महात्मा जी आश्रम के खेत की फावड़े से खुदाई कर रहे थे। मेरे घर चलकर खजाना बता दीजिए। अपने अंगों की शक्ति को पहचानो। बच्चों मैंने इस कोष्टक के अंदर से दिए गए शब्दों को इसमें इस प्रकार से सही शब्द को सही जगह पे राइट किया है, तो आपको भी ये सही जगह पर राइट करना है। इसी प्रकार से अपनी बुक के अंदर ही राइट करना है, पढ़ के राइट करना है बच्चों, देख के राइट नहीं करना है, इसको आपको रीड करना है पहले। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ। इंग्लिश सब्जेक्ट में है पेज नंबर 17 जो है वो हम आज समझने जा रहे हैं बच्चों। ग्रामर टाइम, यानी इसके अंदर ग्रामर वाला वो आ रहा है, इसके अंदर ग्रामर का सेंटेंसेस आ रहे हैं, ग्रामर क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है बच्चों विशेषण, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे यहाँ लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इन फॉलोइंग जो दिए गए हैं नीचे उनको रीड करना है। ब्लैक कैट, अब बिल्ली है लेकिन वो क्या है? ब्लैक है, तो वो इसकी विशेषता बता रही है। रेड मफलर, मफलर जो है गले में बांधने वाला जो दुपट्टा होता है, मफलर को गर्म होता है, मफलर है लेकिन वो है क्या? रेड है। उसकी विशेषता क्या बता रही है? कि वो मफलर जो है वो रेड है। कनिंग फॉक्स, फॉक्स है लोमड़ी है लेकिन वो है क्या? चालाक है। तो वो जो चालाक लोमड़ी है वो उसकी कनिंग जो है उसकी विशेषता बता रही है। द वर्ड्स ब्लैक रेड एंड कनिंग टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स कैट मफलर एंड फॉक्स। यहाँ पर कैट मफलर और फॉक्स क्या हो गए? नेमिंग वर्ड्स हो गए, और ब्लैक रेड और कनिंग क्या हो गए? उसकी एडजेक्टिव्स हो गए, यानी कि विशेषण हो गए उसके। वर्ड्स डेट डिस्क्राइबिंग और टेल मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वर्णन करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो हमें इनके अंदर जो एडजेक्टिव बता रहे हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं उनके ऊपर राइट अंडरलाइन करनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मनीष इज ए क्लेवर बॉय। मनीष बॉय है लेकिन वो बॉय कैसा है? लड़का कैसा है? चालाक लड़का है। बॉय जो है वो क्लेवर है, यानी कि चालाक लड़का है, तो हमने यहाँ पे क्लेवर पे अंडरलाइन की है। सुमन इज ए गुड गर्ल। सुमन एक लड़की है लेकिन लड़की है कैसी है? वो अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है, तो हमने यहाँ पे गुड पे अंडरलाइन की है। इट इज ए कोल्ड मॉर्निंग, यह एक ठंडी मॉर्निंग है, नहीं ठंडी सुबह है। मॉर्निंग तो है लेकिन वो कैसी है? हॉट है या कोल्ड है? कोल्ड है, तो हमने यहाँ पे कोल्ड पे अंडरलाइन की है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो आदमी है जो ईमानदार है, आदमी है लेकिन कैसा है? ईमानदार है, ऑनेस्ट है। आई हैव ए रेड पेन। मेरे पास एक पेन है लेकिन कैसा पेन है? रेड पेन है, तो रेड जो है उसकी क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। माय अंकल हैज ए रेड कार। मेरे अंकल के पास एक लाल गाड़ी है। कार है लेकिन वो कार कैसी है? रेड है, तो वो रेड है जो है उसकी विशेषता बता रही है, तो हमने यहाँ पे रेड पे अंडरलाइन की है। तो बच्चों ये हो गए विशेषता बताने वाले शब्द।